प्यारे दोस्तों, मेरी डेयरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेरी डेयरी का फुल्ली ऑटोमेटिक सिंपल डेयरी सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा डीपीयू है जिसमें वेइंग स्केल आती है, साथ में हमने एक टैबलेट लगा रखा है। बहुत आसान है, इसमें हमने एक शब्द यूज़ किया है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि वेट मशीन में जो डेटा आया हुआ है और जो अपनी फैट मशीन, ऐसे कंपनी की हमने फैट मशीन भी लगा रखी है, जो डेटा इसमें आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अभी हमने इसमें मिल्क एनालाइज कर रखा है, इसमें फैट आ रखी है, और जो भी डेटा इसमें आएगा वो ऑटोमेटिकली अपने टैबलेट में आ जाएगा। कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सरें कि बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे केबल लगी हुई गोल गोल, ये लोड सेल से निकलती है, सीधी हमारे डीपीएम लग जाएगी। और एक ये पोर्ट लगा हुआ है RS232, ये सीधा लग जाएगा हमारे डीपीयू में जो मशीन से निकल के आ रहा है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये डीपीयू है, इसमें वेट इसमें दिखता रहता है। अभी हमने 2 किलो का इसमें भार रख रखा है, वजन रख रखा है 2 किलो। और आपको ये भी बताएंगे कि ये हम डीपीयू कैलिब्रेट कैसे करते हैं। डीपीयू कैलिब्रेट करना बड़ा आसान है, इसको बंद करेंगे और इसको टेयर दबा के ऑन कर लेंगे। लोड आ गया, अब हम इसमें रखते थे लोड, तो मैंने रखा यहाँ पे 2 किलो। सिंपल है, 2 किलो लोड रख दिया, और यहाँ पे पहले से कुछ वैल्यू आ रही है, हम इसको हटा देंगे। हटाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 किलो 200 लिखना है, तो 1 2 इससे प्लस होगा MR से, तो ये 2 हो गया। अब इसको हम लेफ्ट सरका देंगे, करता हूँ 1 2 लेफ्ट सरका देंगे इसको, 200 हो गया, और इसको टेयर कर देंगे। ये कैलिब्रेशन हो गया, अब अपने 2 किलो के वेट से इसको कैलिब्रेट कर दिया कांटे को। बहुत बहुत आसान है ये, कोई भी इसको कैलिब्रेट कर सकता है इजीली। तो अभी इसमें डेटा आ रखा है जो भी मशीन में, ये हमने स्टायरर लगाए रखा है इसमें, और ये ऐसे का जो मिल्क एनालाइजर है, इसमें जो डेटा आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में आएगा। तो इसको मैं पहले एनालाइज कर लेता हूँ। अभी मैंने एनालाइज नहीं किया दूध को, जैसे मैं एनालाइज करूँगा दूध को, वो डेटा इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी डेयरी सॉफ्टवेयर है, बहुत आसान है यूज़ करना और सिंपल है। कोई भी इसको ऑर्डर करे ऑनलाइन और मंगवा ले, सिंपल 2 तार जोड़ने, लगाए और चलाए, बहुत आसान है, कोई इसमें मास्टर साइंस नहीं है। तो ये एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि 20-30 सेकंड ये मशीनें लेती हैं एनालाइज करने में, सिंगल सेंसर मशीन है। और जैसे ही एनालाइज हो जाएगा डेटा आ जाएगा अपने पास। तो जैसे यहाँ पे डेटा आएगा, मैं यहाँ पे आईडी डालूंगा और डेटा आ जाएगा, और ये एक अपना जो डीपीयू है ये अपने को प्रिंट करके दे देगा। बहुत आसान सिस्टम है। तो ये कुछ देर लेता है एनालाइज होने में, वार्म अप भी नहीं हो रखी अपनी मशीन। तो ये मिल्क एनालाइज हो गया है, यहाँ पे फैट और SNF आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी मशीन में कोई डेटा नहीं आया हुआ है, और मैं जैसे कस्टमर आईडी 8 नंबर है, मैं कस्टमर की आईडी दबाता हूँ 8 नंबर, जैसे मैंने आईडी डाली और ये ऑटोमेटिकली इसमें जो डेटा आया हुआ है वो आ गया है। और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा, एक शानदार पर्ची निकाल के दे देगा जिसमें हम डेली की मिल्क एंट्री देख सकते हैं। आप देख सकते हो पूरी एक पर्ची आ गई है जिसमें हम देख सकते हैं शिफ्ट वगैरह, टाइप, फैट, SNF पूरा आ गया, और ये हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं फाड़ के। बहुत आसान है, कोई मास्टर साइंस नहीं है इसमें। और हमने अभी जैसे ऐसे का मिल्क एनालाइजर कनेक्ट कर रखा है, आप कोई भी दूसरा दूसरी कंपनी का मिल्क एनालाइजर है वो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वेट वेट मशीन है, ये 300 बाई 300 की है, इसकी कैपेसिटी 300 kg है। और हमारे पास जो मॉड्यूल मिलेंगे वो बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे आपको, एकदम सॉलिड। ये भी लोहे का बना हुआ, बिल्कुल भारी डब्बे का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाइक पे यूज़ करो आप, चाहे इसको, चाहे आप इसको गाड़ी में यूज़ करो, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी दोस्त अगर ये लेना चाहे, पेमेंट वगैरह करता है, तो एक बात का ध्यान रखिए, ऑनलाइन पेमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है आजकल अपने को। और ये QR कोड है, QR कोड कोई भी भेज देता आपको, पर जब QR कोड स्कैन करे तो नाम आना चाहिए उसमें कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम है B2 इन्फोसॉफ्ट। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कोई पेमेंट करे तो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करे, किसी के मोबाइल नंबर पे या किसी के खाते में या QR कोड पे पेमेंट ना करे। ऐसे मशीन मेरी डेयरी DPU और मेरी डेयरी एप्लीकेशन से ऑटोमेशन कैसे कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा स्टरर है डिजिटल, ये ऐसे की मशीन है, ये हमारा DPU है, और ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हमने अभी एनालाइज कर लिया दूध को, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये 30 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेशन से कैसे मशीन का डेटा और ये जो वज़न है अपने एप्लीकेशन में कैसे आता है। तो आप देख सकते हो, 1 मिनट,
ये मैंने 2 किलो का वजन रख दिया इसके ऊपर, ये 2 किलो इसके अंदर आ गया। ये अभी मशीन का एनालाइज कर रहा है। ये देखो इसमें फेट आ गई 1.4, SNF आ गया 8.7 और वाटर आ गया 3 और CLR आ गई 32। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 किलो वजन है और ये हमारी मेरी डेयरी एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये इवनिंग पे क्लिक किया मैंने और जो भी कस्टमर की आईडी है मैंने जैसे 8 नंबर डाला, 8 नंबर डालते ही ये देखो आप 2 किलो वजन, 1.4 फेट, 8.7 SNF। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा DPU के अंदर से एक पर्ची निकल जाएगी ये देखो, और ये कांटा 0 हो गया। तो आप देख सकते हो पूरा सिस्टम है मेरी डेयरी का। थैंक यू, धन्यवाद।